हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2018-21 के हैं, सत्र 2019-22 के हैं, सत्र 2020-23 के हैं, उनका रिजल्ट में त्रुटि हो गया है, मार्कशीट में त्रुटि हो गया है, तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उनका रिजल्ट को सुधार कर दिया जाएगा। कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। सत्र 2019-22 का पार्ट थर्ड का एग्जाम कब से लेगा VKSU, इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। सत्र 2021-24 का कब से VKSU एग्जाम लेगा, इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको जुड़ जाना है VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल में आपको 67,000 से ऊपर स्टूडेंट मिलेंगे। वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ एक एक कॉलेज का सूचना मिलता है, यूनिवर्सिटी का सूचना मिलता है। सत्र 2021-24, सत्र 2019-22 के आप एग्जाम स्पेशल ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो रिजल्ट में त्रुटि है उसका सुधार कैसे होगा उसका बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का रिजल्ट में त्रुटि है। इसके चलते वो लोग 17 जनवरी तक जो आपका बिना विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरा रहा है 19-22 पार्ट थर्ड का BA BSc BCOM का, तो फॉर्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कैसे आपको रिजल्ट सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन देना है, उसके बाद पार्ट थर्ड एग्जाम डेट, और अंतिम में हम लोग बात कर लेंगे सत्र 2021-24 का पार्ट वन का परीक्षा कब तक लेगा VKSU आरा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करती है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है stresult.com, stresult.com, stresult.com। यहाँ से एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को खोल लेना है। देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी, क्या दिखाई देगा, डियर स्टूडेंट कैटेगरी। कैटेगरी के नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है VKSU आरा, यहाँ से सारा VKSU का अपडेट मिलता है। VKSU आरा सिलेबस से आप VKSU का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड का सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, छात्रों को दिक्कत नहीं हो तो सबसे ऊपर में ही VKSU आरा रिजल्ट सुधार फॉर्म का लिंक दिया गया, इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए, रिजल्ट में अगर आपका सुधार करवाना है तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्लिक हियर पर क्लिक करके। यहाँ पर आप क्लिक करके रिजल्ट सुधार हेतु मार्कशीट अपलोड करें, जो भी मार्कशीट वगैरह में अगर आपका त्रुटि हो गया है तो इसके लिए भी आपको आवेदन कर देना है। अब चलिए, यहाँ पर पूरा आपको जैसे क्लिक हियर करके फॉर्म खोलिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मेमो, सत्यापन कराया हुआ कॉलेज का आपका फॉर्म, ये सब अपलोड करने के लिए कहेगा, तो ये सब अपलोड आपका डिटेल्स को कर देना है। अब चलिए बात कर लेते हैं स्नातक पार्ट थर्ड एग्जाम डेट और स्नातक पार्ट वन एग्जाम डेट के बारे में। स्टूडेंट, आज सुबह से ही एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ये जो आपका पोस्ट गया था VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, जिस टेलीग्राम चैनल में 67,000 से देखिए ऊपर स्टूडेंट जुड़े हैं, यही टेलीग्राम चैनल में आपको जुड़ना है। 67,300 से ऊपर स्टूडेंट जुड़े हैं, यही एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर देखिए, एक सूचना डाला गया था कि आपका पेपर स्क्रीन का था, ये दैनिक भास्कर में निकला हुआ है, हिंदुस्तान भी कवर किया है। स्नातक पार्ट थ्री का परीक्षा 27 से जल्द जारी होगा कार्यक्रम, और स्टूडेंट पूछने लगे कि सर हम लोग का एग्जाम 27 से होगा क्या। तो देखिए, ये पूरा आप नोटिस पढ़िएगा तो ये नोटिस का पूरा कंक्लूजन आपको बता देते हैं। इसमें यही बताया गया है कि 27 से आपका लगभग कार्यक्रम को घोषित कर देगा VKSU वाला, रूटीन को, डेट शीट को, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 11 तक बिहार बोर्ड का इंटर का परीक्षा और 14 से 22 तक आपका बिहार बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा हो रहा है। तो परीक्षा का संचालन कराना संभव नहीं रहता है, क्योंकि बिहार बोर्ड सारा सेंटर को ले लेता है, जो भी आपका एग्जाम होता है भोजपुर जिला में, रोहतास जिला में, कैमूर जिला में, बक्सर जिला में, तो वहाँ पर बिहार बोर्ड का सेंटर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जल्द जारी होगा कार्यक्रम लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि देखिए, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट थ्री सत्र 19-22 के परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गया है, संभावित 27 जनवरी से स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षा शुरू हो जाएगी, यह परीक्षा फरवरी के अंत तक होने के आसार हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी वजह इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है। तो देखिए, ये जो भी आपका एग्जाम है इसका कार्यक्रम बहुत जल्द आपका लास्ट जनवरी में घोषित कर दिया जाएगा, तो डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा stresult.com वेबसाइट। आप परेशान ना होइए, इसका परीक्षा का संभावित तिथि आपका लास्ट फरवरी है या मार्च का प्रथम वीक भी जा सकता है। तो जैसे ही सूचना कोई आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें पार्ट थर्ड का, देखिए पार्ट थर्ड का एग्जाम आपका इस बार पार्ट वन से पहले होगा, क्योंकि पार्ट थर्ड का आपका जो सत्र है ये लास्ट सत्र चल रहा है, मतलब लास्ट सेशन का एग्जाम है ये आपका। पार्ट थर्ड का एग्जाम ले लेगा लोग तो ये सत्र समाप्त हो जाएगा,
मान लीजिए पार्ट वन का 21-24 का एग्ज़ाम आपका है, तो उसका एग्ज़ाम ये लोग पार्ट थर्ड के बाद लेगा, क्योंकि पार्ट वन का सेशन जो लेट है उसको कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन पार्ट थर्ड का सेशन ऑलरेडी 7 महीना 8 महीना लेट हो गया है। और पार्ट वन में आपका सब्सिडी वगैरह का एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम लगभग आपका 16-17 दिन चलता है, लेकिन पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम आपका 9-10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ये पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम जो है आपका लगभग आपका लास्ट फरवरी में शुरू होगा, जैसे ही सूचना आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। पार्ट थर्ड एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका लास्ट मार्च तक पार्ट वन का परीक्षा संपन्न कराएगा आपका VKSU वाला। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।